हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स शेयर के बारे में। दोस्तों, ऑल फ्रेंड कंपनी का रिजल्ट आके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव देखने को नहीं मिला था। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि टाटा मोटर्स का शेयर हमें बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, और जिसमें बड़े बड़े ब्रोकरेज हैं उसका शेयर के बारे में क्या रहेगा। दोस्तों, सबसे पहले हम रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। रिजल्ट जो कंपनी का आया था काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं था, क्योंकि लाभ कंपनी का घट गया, रिवेन्यू में भी काफ़ी ज़्यादा कमी आई है, लाभ लगभग 5% तक गिर गया और आय में भी काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। और दोस्तों, इस पर बड़े बड़े जो ब्रोकर थे उन्होंने शेयर को बाय करने की सलाह दी है, और उसका टारगेट प्राइस जो 653 प्लस कर दिया। उनका कहना है कि कंपनी फ्यूचर के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पर काफ़ी फोकस कर रही है। सालाना आधार पर लगभग अगर आप बात करेंगे तो लगभग 450% तक की बिक्री बढ़ेगी। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार बेचने वाली कार कंपनी है टाटा मोटर्स जो है, और फ्यूचर काफ़ी अच्छा है। ग्रोथ प्लान भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इससे इसके शेयर बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए हमें शेयर को बाय करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें।